हेलो दोस्तों, वेलकम ऑल ऑफ यू। माय नेम इज अंकित त्यागी। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू रीड कंफ्यूजिंग वर्ड्स। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? कंफ्यूजिंग वर्ड्स पढ़ने वाले हैं। एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, बहुत सारे एग्जाम्स में कंफ्यूजिंग वर्ड्स आता है। एक्चुअली ये जो वर्ड्स हैं वो दिखने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं स्टूडेंट्स, स्पेलिंग में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर हम बात करें प्रोनंसिएशन की, तो प्रोनंसिएशन की अगर मैं बात करता हूँ, लगभग सेम रहता है। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं जल्दी से। मेरे पास फर्स्ट वर्ड है माय डियर स्टूडेंट्स, क्या? अवेज। क्या है? अवेज। एंड सेकंड वर्ड इज दैट, मेरे प्यारे बच्चों, क्या? रिवेंज। आई हैव टू वर्ड्स, दो वर्ड्स आप लोग देख रहे हैं, क्या? अवेज एंड सेकंड इज रिवेंज। स्टूडेंट्स, सब लोग कहते हैं मुझे दोनों का मीनिंग सेम है। बिल्कुल है। अगर मैं बात करूं, दोनों का मतलब रिटेलिएट होता है। क्या होता है? रिटेलिएट होता है। रिटेलिएट सब लोग समझते हैं। अगर मैं बात करूं तो दोनों का मीनिंग है स्टूडेंट्स, क्या? रिटेलिएट। लेकिन क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है माय डियर, हम लोग रिटेलिएट तो यूज करते हैं, ये बात तो ठीक है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? वी हैव यूज अवेंज एंड वी हैव यूज रिवेंज। स्टूडेंट्स, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो रिवेंज वर्ड है वो वर्ब भी है और मेरे प्यारे बच्चों वो नाउन भी है। दैट इज वर्ब एंड नाउन बोथ, बट अवेंज ओनली एंड ओनली स्टूडेंट्स, दैट इज वर्ब। मतलब क्या है? क्वेश्चन ये है, देखिए, आई एम सेइंग दैट रिवेंज वी यूज एज बोथ अ वर्ब एंड नाउन, बट अवेंज ओनली एंड ओनली, दैट इज क्या? वर्ब। ओनली वर्ब है। एक्चुअली इसको थोड़ा सा ऐसे समझे स्टूडेंट्स, देखिए, अवेंज और रिवेंज का मतलब, दोनों का मतलब मैंने क्या लिखा है? रिटेलिएट। मतलब क्या है? बदला लेना। एक्चुअली डिफरेंस दोनों में क्या है? दोनों में एक माइनर सा डिफरेंस मैं बता रहा हूं। जब आप दूसरों के लिए बदला लेते हैं तो आप अवेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अवेंज। दूसरों के लिए अगर आप बदला ले रहे हैं, भाई आपके ब्रदर को किसी ने कुछ कहा और आप उसके लिए मार पिटाई कर रहे हैं, तो आप अवेंज कर रहे हैं, रिवेंज नहीं कर रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी ने कुछ कहा, आपको किसी ने गाली दी, आपको किसी ने पीटा और आप खुद उसको पीट रहे हैं, ऑन द बिहाफ ऑफ हिमसेल्फ, हरसेल्फ, ये वन सेल्फ, जब आप खुद के बिहाफ पर आप किसी को पीट रहे हैं तो रिवेंज है, लेकिन ऑन द बिहाफ ऑफ अदर्स, जब दूसरे के बिहाफ पर किसी को पीट रहे हैं, गाली दे रहे हैं, आपने दूसरों के बिहाफ पर बदला लिया है, तो वो अवेंज है। तो अगर हिंदी मीनिंग की बात करूं तो लिख लेंगे, क्या? दूसरों के लिए बदला लेना और स्टूडेंट्स अपने लिए बदला लेना, क्या है? रिवेंज। आई होप स्टूडेंट्स समझ में आया होगा, लेकिन दोनों का मीनिंग है बदला लेना। आई एम रिपीटिंग, जब आप किसके लिए? दूसरों के लिए बदला ले रहे हैं, दूसरों के लिए बदला लेना, और ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? अपने लिए बदला लेना। और आप देख रहे हैं यहां पर मैंने वर्ब भी लिखा है और नाउन भी लिखा है, तो बदला लेना वर्ब हुआ ना, क्योंकि आप लोगों ने एक्शन हुआ है, और यहां पर भी मैंने वर्ब लिखा है, तो बदला लेना ये तो एक्शन है ही, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों मैंने यहां पर नाउन भी लिखा है, किसमें? रिवेंज में। तो रिवेंज का मतलब बदला भी होता है। कैसे? दो सेंटेंस हम लोग देखते हैं, बहुत इजी से सेंटेंस मैंने बनाए हैं, बहुत इजी से सेंटेंस है, तो देखिए जरा। मैं सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं किसकी मेरे प्यारे बच्चों? अवेंज की। मैंने कहा, एग्जाम्पल देखिएगा, ही अवेंज्ड। स्टूडेंट्स चीजों को समझिए, ही अवेंज्ड द डेथ ऑफ His father, of his father. Students, देखिए बिल्कुल simple sentence I've written here. He avenged क्या? He avenged the death of his father. उसने क्या किया था? उसने अपनी father का बदला लिया था, father की death का बदला उसने लिया था, तो उसने avenged किया है, उसने अपना बदला नहीं लिया है, remember? और यहां पर अगर हम कहें, देखिए मैंने क्या कहा, I am writing here, मैंने revenge में क्या कहा है, जब आप खुद अपने बिहाफ पर बदला लेते हैं, तो मैंने कहा, देखिए दूसरी बात और है, ये वर्ब भी है और नाउन भी है। जैसे मैंने कहा आई रिवेंज्ड, देखिए सेंटेंस इज दैट आई रिवेंज्ड ऑन राहुल, आई रिवेंज्ड ऑन राहुल। मैंने किस पर बदला लिया? मैंने राहुल पर बदला लिया। किसका? खुद का बदला लिया है मैंने यहां पर। आई रिवेंज्ड ऑन राहुल लास्ट मंथ या लास्ट
मंडे। स्टूडेंट जरा ध्यान सुनिए, यहां पर जो बदला है आई रिवेस्ट ऑन राहुल, यहां पर बदला मैंने जो लिया है किस पर, राहुल पर बदला लिया है मैंने, तो मैंने किस पर बदला लिया है, राहुल पर। और राहुल पर अगर मैंने बदला लिया है स्टूडेंट्स, तो मैंने खुद का बदला लिया है। किसका स्टूडेंट्स? खुद का बदला मैंने लिया है। ओके तो दोनों में अवेज भी और रिवेज भी शायद मेरे ख्याल से मेरे प्यारे बच्चों डिफरेंस में आया होगा, इंपॉर्टेंट है, एसएससी में कई बार क्वेश्चन पूछा गया। हाँ, इसके लिए मैं एक बात और आप लोग को बताना चाहता हूं, वो बात ये है मेरे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, बात ये है कि अगर इनके बाद देखिए, मैंने यहां पर कहा ही अवेज दैट, यहां पर भी ऑब्जेक्ट है, पर स्टूडेंट्स मैंने क्या कहा है, आई रिवेज ऑन राहुल, किस पर, यहां पर भी हम लोग ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं। तो मैं एक बात बोलूंगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता तो इनके बाद आप लोग सेल्फ फॉर्म का यूज करते हैं। किसका? सेल्फ फॉर्म का। मेरी थोड़ी नेट में प्रॉब्लम है, बच्चों को थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। तो पहले वाला सेंटेंस आपको समझ में आया क्या स्टूडेंट्स? ही अवेज्ड द डेथ, किसका बदला लिया है? फादर का बदला लिया, खुद का बदला नहीं लिया। लेकिन यहां पर आई रिवेज्ड ऑन राहुल लास्ट मंथ, मैंने राहुल पर बदला लिया, तो यहां पर मैंने खुद का बदला लिया है। बोलिए, कहने का दोनों का मतलब यही है बच्चों, अवेंज और रिवेंज अगर दोनों की बात करें, एक्शन टेकन रिटर्न, जो आप रिटर्न में कोई एक्शन लेते हैं तो आप अवेंज और रिवेंज कर रहे हैं, लेकिन किसी दूसरों के लिए लिया है तो अवेंज किया है, और खुद के लिए एक्शन लिया है तो क्या किया है, रिवेंज किया है। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, दोनों वर्ड क्लियर होने के लिए, तो समझ में आ गया होगा, एक्शन टेकन इन रिटर्न, जब आप वापस एक्शन लेते हैं तो आप अवेंज करते हैं। बोलिए यस और नो। तो स्टूडेंट्स ये क्लियर हुई होगी, नेक्स्ट बात करता हूं। देखिएगा नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास, बिल्कुल आसान से वर्ड है, मैंने आप लोग के लेकर जो आया हूं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। क्या वर्ड है? इफेक्ट। और स्टूडेंट्स एक वर्ड है मेरे पास EFFECT, बड़ा कंफ्यूजन है, और बैंकिंग में एसएससी में दोनों वर्ड कई बार पूछे गए हैं। देखिए पहला वर्ड है मेरे पास EFFECT और दूसरा वर्ड है मेरे पास EFFECT। एक्चुअली EFFECT ऑलवेज अ वर्ब, बट रिमेंबर दैट इज वर्ब एंड नाउन बोथ। अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, EFFECT नाउन भी है और वर्ब भी है, बट EFFECT ओनली वर्ब है। कैसे वर्ब? क्वेश्चन ये है, अगर आप मीनिंग की बात करें तो दोनों का मीनिंग कहीं ना कहीं इंपैक्ट होता है। क्या होता है इंपैक्ट? ये सब आप जानते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स एक बात बताइए, देखिए मैंने इसको वर्ब भी बोला है, इसको भी वर्ब बोला है, फिर दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस बहुत इजी सा डिफरेंस है, आज के बाद कभी मिस्टेक नहीं करोगे। देखो अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना, क्या करना? किसी चीज को प्रभावित करना। प्रभावित करना सब लोग समझते हैं, देखिए मैं हिंदी भी इसलिए लिख रहा हूं ताकि कुछ लोग कंफ्यूज ना हो, क्या मतलब है प्रभावित करना। और अफेक्ट का एक मतलब और भी होता है स्टूडेंट्स, लागू करना। लागू मतलब स्टूडेंट जरा ध्यान से सुनेगा, अगर कोई रूल्स रेगुलेशन लागू हो गया है तो वो अफेक्ट ही होता है। क्या होता है? अफेक्ट, जिसे आप अप्लाइड कहते हैं। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, लागू करना मतलब अप्लाई, अगर कोई चीज अप्लाई हो गई है तो तब भी वो अफेक्ट हुआ है, इफेक्ट नहीं हुआ है। सॉरी स्टूडेंट्स थोड़ा सा ध्यान से देखें, ये इफेक्ट में लिखना था मुझे, मैंने गलती से लिख दिया गया है, सॉरी फॉर दैट। इफेक्ट एक्चुअली मैंने सॉरी वहां पर मैंने वर्ब लिखा है, उसका मतलब प्रभावित करना है, सॉरी फॉर दैट। लेकिन यहां पर EFFECT का मतलब जरा ध्यान से सुनिएगा, सॉरी मैंने गड़बड़ लिखा है, वेरी वेरी सॉरी। क्या? प्रभाव और स्टूडेंट्स लागू करना, जरा ध्यान सुनिएगा, गलती नहीं करेंगे आप लोग, जैसे मैंने मिस्टेक की है ये। क्या? लागू करना, वो EFFECT का मतलब होता है, EFFECT का मतलब कभी नहीं होता। ये अपने आप में वर्ब है और क्या है, नाउन भी है। लेकिन नाउन कब होगा? जब ये वाली कंडीशन है, ये रहा नाउन प्रभाव। और वर्ब क्या हो, कब होगा मेरे प्यारे बच्चों? जब हमने किसी चीज को लागू कर दिया, जिसको मैं अभी बोल रहा था क्या, अप्लाई, EFFECT, अप्लाई वाली अगर सिचुएशन है तो तब भी हम इफेक्ट का ही यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? इफेक्ट का यूज करते हैं। क्वेश्चन है कैसे करते हैं? देखिए मैंने कहा स्मोकिंग अफेक्ट्स अवर हेल्थ। अगर आप एग्जाम्पल की बात करें, आई एम राइटिंग हियर स्मोकिंग, जरा चीजों को समझेंगे। अब आप यहां पर इफेक्ट नहीं यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? स्मोकिंग अफेक्ट्स अवर हेल्थ। क्या करती है स्मोकिंग? जो है वो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करती है। देखिए और अफेक्ट के बाद चीजें इफेक्ट हो जाती हैं,
मतलब प्रभाव जो होता है, देखिए प्रभावित करना, और प्रभावित करने के बाद चीजें किसमें चली जाती है, इफेक्ट में चली जाती है। और इफेक्ट क्या हुआ, नाउन हुआ, मतलब क्या है, जरा अगर आप ध्यान से चीजों को देखें, अफेक्ट करने के बाद चीजें इफेक्ट होती है, अफेक्ट हुआ, अफेक्ट के बाद जो चीजें रिजल्ट निकल कर आया, अगर मैं बात करूं तो ये रिजल्ट वाली फॉर्म है जब ये नाउन होगा। मैंने क्या कहा है, प्रभाव। तो उसका प्रभाव क्या हुआ भाई आपके ऊपर, स्मोकिंग का आपके ऊपर इफेक्ट क्या हुआ? अब देखिए हम क्या कहते हैं, सुनिएगा। मैंने कहा स्मोकिंग अफेक्ट्स अवर हेल्थ, बट मैंने क्या कहा, इफेक्ट वो ये हुआ, इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग क्या हो गया, कैंसर हो गया उसको, उसके जो लंग्स है वो खराब हो गए। तो लंग्स जो है वो स्पॉइल हो रहा, दैट इज अ इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग। तो अफेक्ट के बाद, AFFECT के बाद, अफेक्ट के बाद इफेक्ट होता है। तो बताइए मेरी बात क्लियर नहीं क्लियर है? तो स्टूडेंट समझेंगे चीजों को, दैट इज अ नाउन, और लागू करने वाली फॉर्म में मैंने इफेक्ट को मैं क्यों बोल रहा हूं, AFFECT को। एक्चुअली स्टूडेंट्स देखिए, ये वर्ब भी है और वर्ब है, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होगी। ये तो वर्ब है, इसको आप नाउन की तरह कभी यूज ना करें। बोलिए मेरी बात क्लियर है नहीं क्लियर है? तो स्टूडेंट्स एक बात सुनिएगा, मैंने कहा लागू करने वाली फॉर्म, अप्लाई वाली फॉर्म भी EFFECT है, AFFECT नहीं है। जैसे मैंने कहा एनआरसी, एनआरसी जो आप जानते हैं, एनआरसी वॉज इफेक्टेड, एनआरसी वॉज क्या, इफेक्टेड इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया, कब से, लास्ट 3 मंथ्स। कब से अप्लाई हुआ, कब से अप्लाई किया गया था, वो कब से रूल में आया, वो क्या है, वो इफेक्ट है। क्या है मेरे तेरे बच्चों, इफेक्ट है। अगर कोई रूल्स रेगुलेशन, मैंने कहा भाई चीज है ना, दिस रूल विल बी इफेक्टेड, वो लागू किया जाएगा, दिस रूल विल बी अप्लाइड इन 2019, 2019 में, 2020 में ये रूल क्या किया जाएगा, अप्लाई किया जाएगा। तो इफेक्ट का मतलब भी अप्लाई वाली फॉर्म है जब वो वर्ब है, और नाउन वाली फॉर्म कब है, जब उसका मतलब प्रभाव है, और प्रभाव कब होगा, अफेक्ट के बाद चीजें इफेक्ट होती हैं। बताइए स्टूडेंट्स क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ है? स्टूडेंट्स चीजें एक एक क्लियर करूंगा, मेरा प्रॉमिस है, लेकिन चीजों को थोड़ा सा क्रिटिकली आपको पढ़ना पड़ेगा यार। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं यार, नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास ABET, और स्टूडेंट्स एक वर्ड और मैं लिखूंगा यहां पर ABET, दोनों बड़े, दोनों का प्रोनंसिएशन देखिए, अबेट और अबिट, दोनों लगभग स्पेलिंग में देखिए जैसे अफेक्ट और इफेक्ट, बोलने में प्रोनंसिएशन एक जैसे लगते हैं, लेकिन यूज दोनों का बड़ा ही गड़बड़ है, बड़ा ही डिफरेंट यूज हम लोग कर रहे हैं। तो क्या है अबेट, और क्या है, इसको भी बोलने में लगभग देखिए अबेट ही मीनिंग निकलता है, मतलब बोलने में प्रोनंसिएशन लगभग सेम जैसा है। इनको हम होमोफोन्स भी बोलते हैं, अबेट अबिट, क्या है अबेट, ABET। तो पहले तो हम ये समझिए दोनों का मीनिंग क्या है। पहले तो आप लोग को एक बात बता दूं, ABETE ये भी वर्ब है मेरे प्यारे बच्चों, एंड दैट इज ऑल्सो वर्ब। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए वर्ब है क्या, ABET, अबीट, अबीट का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों कम होना, जब कोई चीज रिड्यूस हो जाती है, तो देखो मैं क्या कह रहा हूं, कम होना, क्या मीनिंग है, कम होना। मैंने कहा देखिए मुझे धीरे धीरे पेन कम हो रहा है, मैंने मेडिसिन ले ली है और धीरे धीरे मुझे पेन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो अबीट हो रहा है। तो आप एक तरह से कह सकते हैं डिक्रीज, क्या डिक्रीज, यू कैन से, आप कह सकते हैं लिसन, LESEN, कोई चीज क्या, कम होना। तो एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। देखिए मैंने कहा द पेन बिगेन टू, द पेन बिगेन, बिगेन समझते हैं ना बच्चों, कम होना मतलब धीरे धीरे कोई चीज अगर कम हो रही है तो वो क्या हो रही है, सॉरी मैंने, सॉरी सॉरी, बिगर, BEGAN, बिगन समझते हैं ना, BEGIN, और बिगिन की सेकंड फॉर्म क्या है, बिगन, BEGAN, द पेन बिगेन टू अबेट, जरा समझिए, आफ्टर टेकिंग मेडिसिन, आफ्टर क्या, टेकिंग मेडिसिन। बोलिए मेरी बात क्लियर है, क्लियर है? तो स्टूडेंट चीजें क्लियर हो रही होंगी। मैंने कहा द पेन बिगिन टू, पेन जो है कम होने लगा था किसके बाद, मेडिसिन लेने के बाद। अब बात करते हैं देखिए, रिड्यूस होना, कोई चीज कम होना, पेन कम होना, और अगर कहीं पर कोई शोर शराब हो रहा है तो वो भी कम हो रहा है, दैट इज अबिट। और अबिट की मैं बात करूं
तो बच्चे देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूं, टू एनक्रेज, क्या टू एनक्रेज और असिस्ट, जरा ध्यान दीजिए, टू एनक्रेज और क्या असिस्ट टू समवन। जब आप किसी को एनक्रेज कर रहे हैं, अगर मैं एपिक्ट की बात करूं तो इसका मतलब है उकसाना। क्या मतलब है उकसाना? जब आप किसी को कोई गलत, देखिए स्पेशली फॉर नेगेटिव वर्ड, दैट इज अ नेगेटिव वर्ड, मैंने कहा टू एनक्रेज असिस्ट टू समवन डूइंग रॉन्ग, क्या डूइंग रॉन्ग। जब किसी कोई काम, कोई पर्सन जो है गलत करने के लिए आप किसी को क्या कर रहे हैं, उकसा रहे हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग क्या कर रहे हैं, आप उसे अबिट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अबिट कर रहे हैं। तो मैंने कहा आई अबिटेड राहुल, या देखिए एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल इज दैट सी ऑलवेज, देखिए सी ऑलवेज अबिट्स, क्या है अबिट्स हर हस्बैंड, हर हस्बैंड अगेंस्ट, अगेंस्ट हर फादर, अगेंस्ट हर फादर। मैंने क्या कहा, वो क्या करती है, वो हमेशा उकसाते हैं किसको, अपने हस्बैंड को, किसके खिलाफ, अपने फादर के खिलाफ। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं? तो हम किसी को जब उकसा रहे हैं, किसी कुछ गलत काम करा रहे हैं, तो हम लोग उसे एबिट कर रहे हैं। और थर्ड फॉर्म हो जाएगी, सेकेंड और थर्ड फॉर्म होगी ए बी डबल टी टी, बोलिए एबिटेड एबिटेड, जिसके लास्ट में टी है तो डबल टी का हम लोग यूज करेंगे। तो मुझे बताइए स्टूडेंट्स क्या चीजें क्लियर हुई? मैंने कहा वो हमेशा क्या करती है, उकसाती है अपने हस्बैंड को, किसके खिलाफ, अपने फादर के खिलाफ। वो उसको अपने फादर के खिलाफ ही किसको उकसाती है, अपने हस्बैंड को हमेशा उकसाती है, एनकरेज करती है। तो बोलिए बात क्लियर है? लेकिन स्पेशली फॉर क्या, मैंने कहा रॉन्ग डूइंग, जब भी कोई गलत काम करे, अच्छे काम के लिए बिल्कुल यूज नहीं होगा। तो बताइए स्टूडेंट्स क्या सिक्स के सिक्स वर्ड क्लियर हुए, नहीं क्लियर हुए? आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम लोग। देखिए स्टूडेंट्स इन वर्ड्स का ये तभी क्लियर होंगे जब आप इनको यूज करें। आइए नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास स्टूडेंट्स, आई होप सो चीजें आप लोगों को क्लियर हुई। देखिए मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअल आप लोगों से मैं बात कर रहा हूं। नेक्स्ट वर्ड बहुत इजी सा वर्ड है और बहुत आसानी से आप लोग याद भी कर लेंगे मुझे पता है। नेक्स्ट वर्ड है मेरे प्यारे बच्चों मेरे पास क्या, अवार्ड एंड रिवॉर्ड। बहुत सारे लोग हैं जो मुझे कहते हैं कि अवार्ड में और रिवॉर्ड में सर डिफरेंस क्या है, जरा आप लोग भी समझ लीजिए, आज के बाद कभी आप गड़बड़ नहीं करेंगे। अवार्ड एंड मेरे प्यारे बच्चों क्या रिवॉर्ड, दोनों में क्या डिफरेंस है, वेयर वी यूज अवार्ड एंड वेयर वी यूज रिवॉर्ड। आइए जरा बात करें, देखिए रिवॉर्ड की अगर मैं बात करता हूं, रिवॉर्ड स्टूडेंट्स नाउन भी है एंड वर्ब भी है। अवार्ड की बात करें तो दैट इज, देखिए हम लोग कहते हैं, देखिए अवार्ड हम लोगों को कब मिलता है, क्वेश्चन ये है, और रिवॉर्ड हम लोगों को कब मिलता है। देखिए अवार्ड जब आप लोग कोई काम कर देते हैं, कोई आपने ऐसा कोई ग्रेट वर्क कर दिया गया है, जो आपको गिफ्ट आपको दिया जाता है, आपने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समथिंग, यू आर डूइंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समथिंग, तो आपको अवार्ड मिलता है। जैसे अगर हम बात करें क्रिकेटर्स हैं उनको अवार्ड मिला है, जैसे हम बात करें बहुत सारे सिंगर्स हैं आपके, कुमार सोनू एम राइट, बात करें बहुत सारे एक्टर्स हैं अमिताभ बच्चन, तो उनको अवार्ड मिला है रिवॉर्ड नहीं। एक्चुअली रिवॉर्ड क्या होता है स्टूडेंट्स, रिवॉर्ड हमारा मेहनताना होता है, हमने कोई काम किया है उसके बदले में जो हमें पैसे मिले हैं, दैट इज वो रिवॉर्ड है, वो अवार्ड नहीं है। क्या मेरी बात सुन पा रहे हैं? जैसे मैंने कहा ही अवार्डेड मी, या सलमान खान वॉज अवॉर्डेड, सलमान खान को क्या किया गया था, अवॉर्ड किया गया था, भाई पुरस्कार दिया गया था, वो उसके मेहनताने के लिए नहीं है, उसने समथिंग एक्स्ट्रा भाई अच्छी अच्छी मूवी बनाई है, तो उनके लिए जो गिफ्ट है, देखिए अवॉर्ड जो है वो गिफ्ट है और रिवार्ड जो है वो मेहनताना है। जैसे मैंने क्या कहा, जरा सुनिए चीजों को, एक को मैं नाउन बोल रहा हूँ वर्ब बोल रहा हूँ, यहां पर मैंने सिर्फ क्या लिखा है अवॉर्ड में, मैंने सिर्फ और सिर्फ वर्ब लिखा है। तो जैसे मैंने कहा, देखिएगा चीजें बिल्कुल क्लियर है, ही वॉज अवॉर्डेड, he was awarded, तो चीजों को समझ लेते हैं, मैंने कहा he was awarded with Nobel पुरस्कार, तो हमने क्या कहा he was awarded with Nobel gift, या he was awarded by me with a gift,
आई मेड विद अ गिफ्ट। देखिए बोले जाएगा तो गिफ्ट दैट इज ये कुछ अच्छा काम उसने किया है तो मैंने उसको गिफ्ट दिया है। जैसे आप लोग का बर्थडे होता है तो अवार्ड मिलता है, रिवॉर्ड नहीं मिलता है, समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? जो पुरस्कार होता है वो अवार्ड होता है और अवार्ड हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डर ही कर देते हैं वो अवार्ड होता है। रिवॉर्ड मतलब जैसे मैंने कहा, देखिए मैं क्या कह रहा हूं, इफ एवरीबडी डज समथिंग या इफ एवरीबडी वर्क्स हार्ड, इफ एवरीबडी वर्क्स हार्ड, देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, इफ एवरीबडी वर्क्स हार्ड ही गेट्स रिवॉर्ड, ही गेट्स रिवॉर्ड। अगर कोई आदमी क्या करता है, हर आदमी वर्क्स हार्ड, अगर आदमी क्या करता है एवरीबडी वर्क्स हार्ड, अगर आदमी क्या करता है वर्क हार्ड करता है तो ही गेट्स, वो क्या पता है वो रिवॉर्ड पाता है। मतलब अगर वो अच्छा मेहनत करता है, जैसे आप लोग किसी जॉब में मेहनत करते हैं तो आपको रिवॉर्ड मिलता है, और रिवॉर्ड एक वर्ब भी है। मैंने कहा ही वॉज रिवॉर्डेड, ही वॉज रिवॉर्डेड फॉर हिज वर्क, ही वॉज रिवॉर्डेड फॉर हिज वर्क, उसको रिवॉर्ड किया गया था उसके काम के लिए। तो काम मतलब उसने बहुत अच्छा काम किया तो उसके बदले में उसको जो पैसा मिला है दैट इज नॉट अ अवार्ड। अवार्ड मैंने फिर बोला है गिफ्ट है, और रिवॉर्ड इज मेहनताना जो आपको अपने काम के बदले दिया जाता है। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास एक्शन, क्या है एक्शन और ऑक्शन। जरा देखिए दोनों में देखने में बिल्कुल एक जैसे वर्ड लगते हैं लेकिन दोनों के मीनिंग में बड़ा डिफरेंस है। क्या कहा मैंने एक्शन, और देखिए एक्शन इज अ नाउन, एक्शन जो वर्ड है खुद अपने आप में नाउन है, बट ऑक्शन दैट इज अ नाउन एंड वर्ब बोथ, ये नाउन भी है वर्ब भी है। कैसे हम कहते हैं यार इस मैटर में क्या एक्शन हुआ है, व्हाट इज एक्शन इन दिस मैटर, व्हाट इज एक्शन इन दिस मैटर, ये हम लोग कहते हैं जो भी तुमने एक्शन है उसका रिएक्शन तुम्हें मिलता है। हम लोग अक्सर कहते हैं एक्शन के अगेंस्ट क्या मिलता है, रिएक्शन मिलता है। तो हम लोगों ने कहा एक्शन का मतलब मैंने क्या कहा नाउन है, और ऑक्शन मतलब AUCTIN, दैट इज अ नाउन एंड वर्ब बोथ। स्टूडेंट्स ऑक्शन का मतलब होता है बिड। देखिए ऑक्शन नाउन है तो हम लोग कहेंगे नीलामी, बोली, बोली जिसे आप कहते हैं, हमने कहा भाई इसकी जो है ना बोली लग गई है, इसकी नीलामी हो गई है, नीलामी, क्या मेरी बात सुन पा रहे हैं? और जब ये वर्ब होगा क्या होगा, वर्ब होगा तो इसका मतलब होगा नीलाम करना, क्या होगा नीलाम करना। स्टूडेंट्स तो वर्ब भी है नाउन भी है, जैसे मैंने कहा आई ऑक्शन दिस डायमंड, मैंने आई ऑक्शन फॉर दिस डायमंड, मैंने इस डायमंड के लिए बोली लगाई थी, आई ऑक्शन फॉर दिस डायमंड, तो वो क्या है वर्ब बन गया है, क्या मेरी बात सुन पा रहे? लेकिन मैंने कहा इसकी क्या बोली लगी है, व्हाट इज द, जिससे मैंने क्या कहा बिड है, क्या है बिड, BID, ऑक्शन का मतलब ही मेरे प्यारे बच्चों क्या है बिड है। तो हम कहते हैं क्या, व्हाट इज द ऑक्शन ऑफ दिस दिस मोबाइल, व्हाट इज द ऑक्शन ऑफ दिस डायमंड, व्हाट इज द ऑक्शन ऑफ दिस एरिया, कभी कभी कोई एरिया होता है तो उसकी भी बोली लगती है। तो बोली जो नीलामी है वो क्या है ऑक्शन है, और वर्ब भी बन जाएगा, वर्ब बनेगा तो ईडी लग जाएगा ऑक्शन, और नाउन समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स क्या मुझे दोनों का एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो क्या है, देखिए मैंने कहा व्हाट इज द एक्शन इन दिस मैटर, व्हाट इज द एक्शन इन दिस मैटर, एक्शन मतलब कार्रवाई जिसे हम कह रहे हैं, देखिए समझ पा रहे हैं ना, क्या हिंदी मीनिंग की बात करूं भाई जो कार्रवाई हुई है इस मैटर में वो क्या है, प्लीज टेल मी व्हाट इज द ऑप्शन इन दिस मैटर। तो मुझे बताइए स्टूडेंट्स क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ, व्हाट इज द ऑप्शन इन दिस मैटर, एंड सॉरी मैंने सॉरी व्हाट इज द एक्शन इन दिस मैटर, एंड ऑप्शन की बात करें देखिए मैं एग्जांपल की बात कर रहा हूं, मैंने कहा ही ऑप्शन AUCTIONED, और मैंने कहा वो बन जाएगा ही ऑप्शन फॉर दिस डायमंड। तो मुझे बताइए स्टूडेंट मेरी बात क्लियर हुई है क्लियर हुई है, आई होप सो। एक्शन और क्या ऑक्शन में भी आपको डिफरेंस क्लियर होगा। स्टूडेंट्स चीजों को बार बार देखिए, अगर एक बार नहीं समझ में आ रही तो दो तीन बार चीजों को देखिए, वीडियो को पॉज करिए, चीजें समझ में आ जाएंगी। और स्टूडेंट्स अगर आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके स्टूडेंट्स थैंक यू, मिलता हूं, थोड़ा सा नेट में प्रॉब्लम है, कल फिर मिलता हूं, थोड़ा रिलीफ मिल रहा है धीरे धीरे। जैसे मैंने कहा देखिए द पेन इज क्या अबेट,
द पेन इज बिकमिंग क्या, सॉरी द पेन इज अबेटिंग ग्रेजुअली, जो पेन है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। द पेन इज अबेटिंग ग्रेजुअली, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो मिलता हूँ क्लास फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू वेरी मच।